हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक टॉपिक लेंगे जो है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए को जानने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगी, जैसे मलयालम, जहाज, नवीन, है ना। इन शब्दों को आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और इनमें क्या कॉमन चीज़ है कि इनको अगर हम आगे से पीछे की ओर पढ़ें या पीछे से आगे की ओर, तो शब्द वही रहता है जहाज, और यहाँ से पढ़ेंगे तो भी जहाज, है ना। मलयालम को ऐसे पढ़ेंगे तो भी मलयालम है और ऐसे पढ़ेंगे तो भी मलयालम, ठीक है। ऐसे इस शब्द के साथ में है, तो ऐसे शब्द जिनको आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर पढ़ा जाए सेम रहते हैं, उन्हें हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है? पैलिंड्रोमिक डीएनए तो बायोलॉजी में क्या है? हमारा पैलिंड्रोमिक डीएनए है, ऐसे शब्दों को पैलिंड्रोम्स हम कहते हैं। और यहाँ हमारे बायो में हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए के बारे में। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब होता है कि डीएनए सीक्वेंस, डीएनए की जो दो श्रृंखलाएँ हैं, दो श्रृंखलाएँ हमको पता है डीएनए में होती है, एक की पोलैरिटी होती है 3-5' और दूसरे की होती है 5-3', है ना। तो डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं की अगर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है अगर वो सेम है, तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक डीएनए हम कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे, अगर इस स्ट्रैंड को हम पढ़ रहे हैं, क्या है 3-GCGC5', राइट। और अगर हम 3' डायरेक्शन से इसको पढ़ेंगे 3-GCGC5', ठीक है। तो इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड में डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, तो इस डीएनए को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है बच्चों। डीएनए के एक स्ट्रैंड पर उपस्थित नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस 3-5' उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर स्थित सीक्वेंस के समान हो तो उसे हम पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि ऐसे पढ़ें या हम इसको ऐसे पढ़ें, ये सेम पढ़ा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल और समझाने के लिए लिखे हैं, जैसे 3-GAATTC5', 3-GAATTC5', ठीक है। तो ये क्या है? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस है। ऐसी मैंने एक और आपका ये श्रृंखला यहाँ पे पैलिंड्रोमिक डीएनए की सीक्वेंस बना के रखी हुई है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।